जय दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, और क्या ही अच्छे से होंगे। अभी एक और खबर सुन लीजिए कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम 18 तारीख को हुआ था उसे कैंसिल कर दिया गया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा किया कि वो एग्जाम जो 18 जून को हुआ था यूजीसी नेट का, उसे कैंसिल कर दिया गया है। और बड़ी दुख और तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश की सरकारी संस्थाएं जो परीक्षाएं कंडक्ट कराती हैं, वो एक एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं करा पा रही। खासतौर पर 2024 जिसे हम लीप ईयर नहीं लीक ईयर मानते हैं, इतने पेपर खराब हुए, इतने पेपर कैंसिल हुए, इतने पेपर कैंसिल हो गए। आप पूछिए उन बच्चों से जिन बच्चों ने ये नेट का पेपर दिया, नीट, अभी इससे पहले रिसेंटली नीट की घटना, नीट जैसा बड़े लेवल का पेपर लीक हो गया और उसे कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल नहीं हुआ लेकिन उसके बारे में बात चल रही है, नीट में धांधली हुई और अब खबर आ रही है कि नेट का पेपर दोस्तों उसे रद्द कर। नेट का पेपर जब रद्द हुआ, नेट का पेपर मैंने खुद दिया था, 18 जून को पेपर दिया था, और मैं बहुत ही दर्द के साथ कह रहा हूँ आपको, पता है जिन भी बच्चों ने नेट का पेपर दिया था 18 जून को ना, वो आग के नीचे बैठ के दिए थे। इतनी गर्मी, लखनऊ की बात करें 46 टेम्परेचर और रूम में इतना बुरा हाल, गर्मी। खैर हम स्टूडेंट हैं, हम स्ट्रगल करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप पेपर दे के आते हैं और आपको बाद में ये पता चलता है कि पेपर कैंसिल कर दिया गया है, तो बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि आपका वो समय खराब हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस का जो पेपर था, अगर वो तब पेपर हो गया होता तो कितने बच्चों का सिलेक्शन हो जाता, उन्हें अपने करियर को लेकर चिंता नहीं होती। लेकिन उस पेपर को भी लीक करके टाल दिया गया और फिर वो भी बच्चे असमंजस में बैठे हुए हैं। 18 जून को यूजीसी नेट का पेपर था, भीषण गर्मी में भी सेकंड शिफ्ट में भी पेपर दिया गया, और मुझे समझ नहीं आ रहा, जब यूजीसी नेट का जो पेपर होता है वो एक सब्जेक्ट का नहीं होता, जैसे नीट में मान लीजिए बायोलॉजी का पेपर है, चार सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, यूजीसी नेट में तो आपके सब्जेक्ट ही इतने सारे हैं, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, तमाम तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट का कोई मसला हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में कोई असुविधा हुई हो, आपने पूरा का पूरा एग्जाम ही कैंसिल कर दिया। मतलब आप साफ तौर पे एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करा पाए, आपका पूरा सिस्टम ही फेल हो गया। कोई एक सब्जेक्ट में लीक का मामला हो या असुविधा का मामला हो या कुछ भी हो सकता है, किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक सेंटर पे, किसी दो सब्जेक्ट में या किसी 10-20 बच्चों का, आपने पूरे पूरे सारे सब्जेक्ट के कैंसिल कर दिए, यूजीसी का सारा का सारा एग्जाम ही कैंसिल कर दिया। अब उन एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले बच्चों का क्या दोष, उन फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब का सब आपने, पॉलिटिकल साइंस, सब का सब कंप्लीट यूजीसी नेट का पेपर ही आपने लीक कर दिया। और आप एक चीज बता दूं, यूजीसी नेट का पेपर 18 जून को था, 18 जून आप समझ रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय की मैं बात करूं, अगर अपनी बात करूं, 15 तारीख को सेमेस्टर का एग्जाम है, 15 जून को सेमेस्टर का एग्जाम था, 16 तारीख को यूपीएससी का पेपर था, 17 तारीख को ईद, 18 तारीख को यूजीसी नेट का पेपर, और 19 को खबर आ रही है कि पेपर कैंसिल। इतनी व्यस्त था, इतने लगातार एग्जाम्स के बाद भी, चलो कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं ना, स्टूडेंट का काम ही यही है कि पढ़ना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, आप जितने चाहे मेहनत करा लो, जितने चाहे एग्जाम करा लो, जब चाहे करा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कराओ तो सही, कम से कम कराओ तो सही टाइम से पेपर, रिजल्ट तो दो सही से। आप पेपर कराते हो, अगले दिन खबर आती है कि लीक हो गया। बहुत बहुत बहुत, और हम कहां जी रहे हैं, हम अमृत काल में जी रहे हैं, हम आधुनिक भारत में जी रहे हैं, ऐसी अव्यवस्था, ऐसा घटियापन, ऐसी खराब स्थिति, और भोगे फिर भुगते, हम भुगते, आप भुगते, मैं तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ अपने घर वालों को भेज दूंगा, क्योंकि आपको तो कभी एजुकेशन मैटर लगता ही नहीं, आपको तो कभी शिक्षा मुद्दा लगता ही नहीं, आपने कभी शिक्षा पे बात करी नहीं, आपको कभी शिक्षा इंपॉर्टेंस लगता ही नहीं, ना सरकार को लगता है, ना विपक्ष को लगता है, और जब आपको एजुकेशन, एग्जाम्स, स्कॉलरशिप, प्रैक्टिकल और पेपर्स और सब्जेक्ट्स कोई मतलब नहीं, तो भोगो फिर, हम भी भोगेंगे और आप भी भोगेंगे। अब बात चली है एजुकेशन की, बात चली एग्जाम्स की, तो मैं एक और चीज बता दूं आपको, यूपी डीएलएड की स्थिति आपको पता है, उसी सत्र क्रम 23-25 की बात करें, 23 और 25 की बात करें, तो उसी सत्र के बीएड के बच्चों का, दोस्तों बीएड के बच्चों का सेकंड सेमेस्टर का पेपर चल रहा है, एमएड के बच्चों का सेकंड सेमेस्टर का पेपर चल रहा है। यूपी डीएलएड की स्थिति क्या है आपको पता है, जो ऑड सेमेस्टर, जो फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर जनवरी में होना चाहिए ना, जून का महीना चल गया, अभी तक टाइम टेबल नहीं आया, अभी तक पता नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा मैं, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, यूपी डीएलएड की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नहीं हुआ यूपी डीएलएड का, और हम क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, मुद्दा एजुकेशन कभी मुद्दा ही नहीं बनता हमारे देश में, एजुकेशन कभी मुद्दा ही नहीं बनता हमारे समाज में, और इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सबको झेलना पड़ता है। यूजीसी नेट का पेपर 18 जून को पेपर था, 19 को खबर आई कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक नहीं आई, पेपर कैंसिल हो गया। किस कारण से कैंसिल, शिक्षा मंत्रालय किया, इसकी अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन हाँ पेपर कैंसिल हो गया। अब बैठिए फिर, और चलो खैर हमारा तो अभी कॉलेज है, हम कर रहे हैं, हमने देखा सेंटर पे ऐसे ऐसे लोग थे जो कि वेट कर रहे हैं इस रिजल्ट का, उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उन्हें पीएचडी करना है, आगे करियर बनाना है,
बट बस यही एक एग्जाम में वो लटके रहेंगे। तो वास्तविकता यही है कि आप चाहे क्रिकेट पे बात कर लीजिए, चाहे पॉलिटिक्स पे बात कर लीजिए, चाहे बॉलीवुड पे बात कर लीजिए, इन सब के लिए सबके पास समय है, सबके चर्चाएं होंगी। और एजुकेशन एक ऐसी बीमारी बन गई है हमारे देश में जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता, और जब आप बात नहीं करेंगे ना, उसी का ये आउटपुट है, उसी का ये रिजल्ट है, हम भुगतेंगे, आप भुगतेंगे। और जब हमारा मत आएगा, जब हमें कुछ चुनाव करना होगा, तो फिर हम उन्हीं मुद्दों पे जाएंगे और हम इस तरीके के दिन को देखेंगे। बहरहाल हम परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, और परेशान होइए, हम कर भी जा सकते हैं। खबर यही है दोस्तों, UGC नेट का पेपर जो 18 जून को हुआ था, जो बड़ी गर्मी में सभी बच्चों ने दिया था, बहुत बुरी स्थिति थी, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, बहुत ही बुरी स्थिति थी। स्थिति ये थी कि बीच में आप, मैं चलो वो चीज़ें नहीं बता सकता, वो प्रैक्टिकल वो थोड़ा सा प्राइवेट, चलो बता देता हूँ, जिस सेंटर पे हम पेपर दे रहे थे, एक घंटे के बाद उस सेंटर के बच्चे बाहर थे, इतनी गर्मी थी, करे तो क्या करे भाई, अंदर बैठ के करे तो क्या करे, कोई बाहर पानी पीने आ रहा है कोई बाहर, तो ये स्थिति थी उसकी। मैं सेंटर को दोष नहीं दूंगा, वो स्थिति ऐसी थी। हालांकि नेट में कोई नकल नहीं करता भाई, मुझे तो नहीं पता कि UGC नेट जैसे बड़े एग्जाम में कोई नकल करेगा, या किसी के पास इतना टाइम है कि एक दूसरे से पूछे और एक दूसरे को बताए, सबको अपना ही लिखना होता है। लेकिन अच्छा हाँ, एक और चीज मेंशन मैं कर दूं, जब हम पेपर दे रहे थे, यूजीसी नेट का पेपर दे रहे थे, आप यकीन माने, बेल्ट तक निकलवाया गया, दैट्स नो इशू। अगर आपने घड़ी पहनी है ये भी निकलवा दिया गया, अगर आपने कड़ा पहना है वो भी, लड़कियों के रिंग तक निकलवा दिए गए थे, लड़कियों के माला तक निकलवा दिया गया था, इवन पेन तक अलाउ नहीं था यूजीसी नेट एग्जाम में, बच्चे बाहर से पेन तक नहीं लेके जा सकते, पेन एग्जाम इतनी कड़ी आप बना रहे हैं, इतना कड़ा नियम बना रहे हैं उन बच्चों के लिए जो ईमानदारी से पेपर दे रहे हैं, और आपकी स्थिति क्या है, बाहर ही बाहर सारा खेल हो जाता है। तो ये स्थिति है, हमसे पेन तक, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पेपर देके आ रहा हूँ यूजीसी नेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से, पेन तक हटवा लिया गया, पेन तक आप अलाउ नहीं था कि आप पेन लेके जाए, सिवाय आप एडमिट कार्ड, दो फोटो और ट्रांसपेरेंट बॉटल में आप पानी लेके जा सकते थे, ये स्थिति थी। और बाहर आके पेपर देखो, बाहर पता चल रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, ये हमारी स्थिति है दोस्तों, यही वास्तविकता है कि एजुकेशन, मुझे नहीं पता कि शायद ये जो चर्चाएं चल रही है, ये बातें चल रही है, शायद भविष्य में ऐसा ना हो, भविष्य में शायद मुद्दा बने एजुकेशन, और भविष्य में शायद लोग बात करें एजुकेशन पे, हम उम्मीद यही कर सकते हैं और आशा यही कर सकते हैं। मगर जिन बच्चों ने भी यूजीसी नेट का पेपर दिया था, नीट वाले अलग परेशान हैं, UPPC तो ऑलरेडी बर्बाद है, ऑलरेडी वो वेट कर रहे हैं, और सारे एग्जाम्स की यही स्थिति है, मगर फिर भी हम आशा करते हैं कि आगे कुछ स्थिति सुधरेगी। अब क्या ही कर सकते हैं, पॉजिटिव इसमें क्या ही पॉजिटिव होगा, बस एक पॉजिटिव ये निकल के आ सकती है कि एक मॉक टेस्ट की तरह माने इसको। बात ये ना, समय की दिक्कत होती है, समय का प्रॉब्लम होता है, जो इस एग्जाम्स का वेट कर रहे होते हैं ना, उनके लिए बड़ी समस्या है। तो एक मॉक टेस्ट की तरह लेंगे कि चलो हमने एक मॉक टेस्ट दिया, फिर आगे की तैयारी करेंगे, लेकिन आगे की तैयारी का भी तो कोई भरोसा नहीं कि आपकी संस्थाएं क्या करें। NTA एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है, बताइए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपने पूरे देश का नाम खराब कर दिया, आप जैसी संस्था के आगे नेशनल लगाना ही एक बड़ा ही चिंता का विषय है, और एक सोचने का विषय है कि क्या आपके नाम के आगे नेशनल आप डिजर्व करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आप डिजर्व करते हैं। जो स्थिति आपने नीट के साथ करी और जो स्थिति आप UGC नेट के साथ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस संस्था को भारी 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 विचार करने की जरूरत है, और सरकार को भी कड़ी प्रतिक्रिया और कड़ी एक पनिशमेंट देने की जरूरत है। भाई लाखों लाखों बच्चे तड़पते हैं, लाखों लाखों बच्चे गरीबी गर्मी में परेशान होते हैं, दूर दूर से सेंटर आते हैं, जो बच्चे दूसरे शहर में वो आके सुबह आके सोते हैं, बड़ी असुविधा होती है, बड़ी दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ होती है जब आप सही सलामत पेपर दे के आए और बाहर आके आपको ये खबर मिलती है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, सच में बहुत तकलीफ होती है। बहरहाल क्या ही कर सकते हैं, पॉजिटिव लेंगे कि मॉक टेस्ट की तरह था, तैयारी करेंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट कब ये लोग कंडक्ट कराएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये ना भाई, दिक्कत ये ना कि एक विश्वास नहीं होता किसी भी संस्था पे, आप कैसा एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, कैसा करा रहे हैं, देश की वो संस्था इतनी जिम्मेदार नहीं है कि एक एग्जाम सही से कंडक्ट करा दे। और एक की बात हो तो हर एक पेपर का यही हाल है कि आप एक पेपर कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। बच्चे यार, दिल सच में रोता है भाई, दिल सच में रोता है। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, क्या स्थिति बताऊं, मैंने देखा था लड़कियां बेचारी, खासतौर पे अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो गर्ल्स के नंबर्स ज्यादा होते हैं, कैसे गर्मी में सब परेशान होकर पेपर दे रहे हैं, फिर उसके बाद आज खबर ये मिलती है कि लीक वो कैंसिल हो गया पेपर। खैर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्स, देखते हैं कब ये लोग कंडक्ट कराएंगे, और सही सलामत करा लो यार, मतलब खुद की शाख पे देखो यार, खुद की अपनी इज्जत संभालो यार, खुद को तो सोचो कितनी गलत, कितनी मतलब एक नॉर्मल इंसान की विश्व को शर्म आ जाए, इतना खबर सुना उसने एग्जाम कैंसिल का, इतना खबर सुना एग्जाम कैंसिल होने का, लेकिन पता नहीं क्यों सरकारी संस्थाओं और उनके मालिकों को शर्म नहीं आती। एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाइए। हमने कभी किसी ऑफिसर के घर पे तो बुलडोजर चलते नहीं देखा कि आपकी वजह से पेपर कैंसिल हुआ, आपके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। हमने कभी किसी ऐसे मिनिस्टर, अभी रिसेंटली नीट की बात कर लो,
नीट में रिसेंटली एक मिनिस्टर का नाम जुड़ा है, हमने कभी उनके घर पे तो बुलडोजर चलते नहीं देखा, हमने कभी उनको अरेस्ट होते तो नहीं देखा, और ये तब तक नहीं रुकेगा क्योंकि यार बच्चे यार हम लोग क्या ही नीट लीक कराएंगे और हम क्या ही नकल करेंगे, हमें तो अपना लिखने से फुर्सत नहीं, हमें तो अपना करने से फुर्सत नहीं, हमें तो एक पेपर के बाद अगला पेपर का डेट और टाइम और सिलेबस ध्यान में रहता है, हम क्या ही इन सब चक्करों में पड़ेंगे। लेकिन जो चक्करों में पड़े हैं, जो बड़े हैं, उनके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती। खैर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बट यार सही से कंडक्ट करा लो, मैं आशा करता हूँ कि आप सही से कंडक्ट कराओगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।